यूक्रेन के किसी भी शहर की तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि रूस को यहां अब कुछ और बर्बाद करने की जरूरत है। यहां का हर शहर ध्वस्त हो चुका है और तमाम इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। लेकिन इसके बाद भी रूस के रक्षा मंत्री ने यह धमकी दी है कि अगले 24 घंटे में यूक्रेन के 108 इलाकों पर बड़े मिसाइल हमले होने वाले हैं। आज हमारे पास कुछ ऐसे क्षेत्रों की लिस्ट है जो इन 108 टारगेट्स में शामिल है। इनमें खार्किव, ज़ापोरिज़्या, दोनेत्स्क के कुछ इलाके, निप्रो पेत्रोव्स्क और मिकोलाइव के इलाके शामिल हैं। खार्किव पर शुरुआती दिनों में से रूस कब्जे की कोशिश में था, लेकिन यहां पूरी तरह कब्जा नहीं हो पाया। इसी तरह ज़ापोरिज़्या में परमाणु संयंत्र पर कब्जे के बाद पूरे शहर पर कब्जे का संघर्ष जारी है। लेकिन अब रूस बड़े पैमाने पर मिसाइल हमलों से इन इलाकों को तबाह कर देना चाहता है। सब साथ ये है कि इन इलाकों में रूस इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करेगा। हालांकि वो पहले भी इस मिसाइल से हमला कर चुका है, लेकिन इस बार लक्ष्य यूक्रेन की संपूर्ण बर्बादी है, इसीलिए हमले भी बड़े और भयंकर होने वाले। यूक्रेन को बर्बाद करने के लिए रूस हर तरह के हथियार चला चुका है। जमीन पर बीटीआर 82 टैंक से लेकर आसमान से बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों ने यूक्रेन के शहरों को मलबे में बदल दिया है। इमारतें टूटकर खंडहर हो चुकी हैं, लेकिन यूक्रेन की हिम्मत नहीं टूटी है, इसलिए यूक्रेन के सैनिक अब भी लड़ने को तैयार हैं। सबसे खास बात यह है कि 55 दिन के युद्ध के बाद भी रूस यूक्रेन के कमांड सेंटर को तबाह नहीं कर पाया है, इसलिए एक बार फिर स्कंदर मिसाइलों के हमले की तैयारी है। नाइन के 720 स्कंदर रूस की कम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। रूस के पास स्कंदर के 7 से भी ज्यादा वर्जन है। 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली इस्कंदर एक रोड मोबाइल मिसाइल है, यानी इसे एक आर्मी ट्रक पर रखकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ये मिसाइल बड़ी इमारतों को भी तबाह कर सकती है, इसलिए युद्ध के शुरुआती दिनों में यूक्रेन की कई इमारतों पर रूस ने इस्कंदर मिसाइल के हमले किए थे। इसकी एक तस्वीर पिछले महीने सामने आई थी। ये वही स्कंदर मिसाइल है जो कीव के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर गिरी थी, जिससे पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया था। इस हमले के कुछ दिन बाद रूस ने इसकी सैटेलाइट इमेज भी जारी की थी, ताकि स्कंदर मिसाइल के हमले का सैंपल पूरी दुनिया को दिखाया जा सके। लेकिन इस बार रूस ने तय किया है कि स्कंदर मिसाइल के हमले इक्के दुक्के नहीं बल्कि भरपूर होंगे, यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद करने की हद तक होंगे। तबाही की तस्वीर वही मगर जगह अलग अलग। कुछ इस तरह से यूक्रेन तबाह, ध्वस्त, निस्तनाबूत होता चला जा रहा है, लेकिन हौसले बुलंद है। आज तक पहुंचा है ज़ापोरिज़्या। पीछे आप देख रहे हैं किस तरह से इस रेलवे स्टेशन पर हमले के निशान है। जी हाँ, मिसाइल से इस रेलवे स्टेशन पर जब हमला हुआ तो यहाँ पे आप देखिए दीवार में पूरा निशानी है कि किस तरह से रूसी जो सेना है वो लगातार तमाम यातायात को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। इस दहलीज से हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि मिलिट्री का रिस्ट्रिक्शन है, पर ये आप देख रहे हैं जो सबसे पुराना रेलवे स्टेशन ज़ापोरिज़्या, यानी कि यूक्रेन के पूरब के छोर पे ये दक्षिणी शहर है। और यहाँ पे आप देखिए कार्डबोर्ड से ये जो शीशे टूट गए थे, क्रूज मिसाइल से हमला हुआ और उसके बाद कुछ। रूस हाइपरसोनिक मिसाइल में वर्ल्ड लीडर है और युद्ध के अगले फेज में कीव समेत यूक्रेन के कमांड सेंटर पर स्कंदर से हमला होने ही वाला है। रूस का मानना है कि अगर यूक्रेन के कमांड सेंटर ध्वस्त हो गए तो वो घुटने टेक देगा।
इसके अलावा रूस के पास ऐसी मिसाइल हैं जिन्हें ट्रैक करना मुश्किल है क्योंकि ये उड़ान के बीच में दिशा बदल देती है। इस्कंदर और किंजल इसी तरह की मिसाइल हैं जो दुश्मन के रडार सिस्टम को चकमा देकर हमला करती है। यही वजह है कि नेटो देशों को सबक सिखाने के लिए रूस ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल को कॉलिनग्राड शहर में तैनात कर दिया था जो बाल्टिक सागर के पास है और पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा के नजदीक का इलाका है। लेकिन युद्ध की दूसरी किश्त में इन दोनों मिसाइलों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होने वाला है और इस बार ज़ापोरिज़्या जैसा सुरक्षित इलाका भी बड़े मिसाइल हमले के निशाने पर होगा। चाहे वो मेलिटोपोल हो, मारियोपोल हो, एनोरदार हो, इन इलाकों से सारे लोग इस शहर में आ रहे हैं क्योंकि जो पूरा ओब्लास्ट है वो ऑक्यूपाइड है, सिर्फ ये शहर बचा है, ये आखिरी चौखट है और यही वजह है कि यहाँ से हजारों सैकड़ों यात्री निकलते थे सुरक्षा की ओर, निकलते थे वेस्टर्न यूरोप की ओर, पर उसको बिल्कुल पैरालाइज करने की यहाँ पे कोशिश हुई है और लगातार ज़ापोरिज़्या जो है सबसे बड़ा टारगेट बना हुआ है। और खास बात यह भी है कि अरबी और ग्रीक मूल के शब्द इस्कंदर का मतलब है इंसान का रक्षक, मगर इंसानों का ये रक्षक उनका भक्षक भी है क्योंकि इस्कंदर मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जा सकता है और इस वक्त पूरी दुनिया को यही डर सता रहा है कि पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकते हैं। मगर जिस तरह सोमवार को लवीव पर रूस ने मिसाइल से हमला किया उससे यह साबित हो गया कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम अब उतना दमदार नहीं रहा और इसी का फायदा रूस इस्कंदर मिसाइल के हमले से उठाना चाहता है ताकि युद्ध को अंतिम दौर में लाया जा सके और कीव पर पूरी तरह से कब्जा किया जा सके। आज तक ब्यूरो।